हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब लोग ठीक होगे। और वेलकम टू माय न्यू चैनल। और नया ब्लॉग भी है, ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। और फर्स्ट ब्लॉग में ही मैं आपको कुछ जर्नी का टूर कराने वाला हूँ। हम जा रहे हैं सिवान, मैं और मेरा भाई, दो लोग जा रहे हैं हम। और हमारे जो भाई हैं, राहुल भाई, उनके फंक्शन में जा रहे हैं। 3 तारीख को फंक्शन है और आज हमारी ट्रेन है 4 बजे की। मैं तो रेडी हो चुका हूँ और अभी भैया आए नहीं है। कन्हैया भैया जिनके साथ मेरे को जाना है वो भी आने वाले हैं। फिर चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको जर्नी सिवान तक का, कैसा जर्नी होता है हमारा। बाकी राहुल भाई कौन है सारी चीज़ आपको बता दूंगा डिटेल। मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं निकल चुका हूँ, बट भैया आए नहीं अभी तक। 3:07 हो गए और ये अब आ रहे हैं। देखो इतना लेट आ रहे हैं ये, 1 घंटे लेट हैं ये। 4 बजे की ट्रेन है हमारी। 3:07 हो गया है भैया, अब आए हैं। 4 बजे की ट्रेन हमारी, 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का, देखते हैं पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। आज स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। 4:55 हो गया, 4:30 की ट्रेन थी बट ट्रेन अभी तक आई नहीं है। वेट कर रहे हैं ट्रेन का, देखते हैं कब तक आती है ट्रेन। 1 घंटा लेट है ट्रेन तो। आज एक ट्रेन खड़ी है बट ये ट्रेन हमारी नहीं है, हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है। टाइम देख रहे हो कितना, 4:57 हो गया। 4:44 की ट्रेन थी बट अभी तक आई नहीं है। हम तो पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। इसी में बैठ जाएगा भाई, इसी में बैठ जाएगा, इसी में बैठ जाए, इसी में चलते हैं सिवान। इसी ट्रेन से चलते हैं सिवान। ट्रेन आ चुकी है गाइस, अपनी ट्रेन आ गई है, इसमें बैठना है। चेहरे पे स्माइल इनके। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। आज पीछे जाना पड़ेगा, S7 में हमारा सीट नंबर है, ये है S9। S7 वाले डब्बे में जाना पड़ेगा। गाइस फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और पुरानी दिल्ली आई है स्टेशन। और गाइस अंदर का हाल देखो, कितना बढ़िया हाल हो रखा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या करें, सांस लेने की जगह नहीं है। अब तो जगह ही जगह भाई, अब तो हवा चल गई। गाइस मैंने सोचा था कि जर्नी बहुत अच्छा होगा, खतरनाक होगा, लेकिन यहाँ तो सच में खतरनाक हो गया जर्नी है भैया। एकदम जहर, बहुत खतरनाक जर्नी है गाइस। यहाँ तो टिकट कंफर्म होने के बाद भी सीट नहीं मिल रही, ऐसी बुरी हालत हो चुकी है, क्या करें। गाइस इतनी गर्मी में हम ये खा रहे हैं चने, देखिए इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी। देखिए बाहर का नज़ारा, चने खा के बात करते हैं बाद में। देखो आप, अंदर का नज़ारा देखने के लायक नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये क्या भाई, गंदा नाला। देखिए गाइस अंदर का नज़ारा देखिए, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। आराम से भाई, आराम से चोट लग जाएगी किसी को। बोतल बरस रही है। गाइस भैया वीडियो कॉलिंग पे लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा ना। गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाहर का नज़ारा देखिए आप, शाम हो गई है बाहर और यूपी में एंट्री कर चुके हैं हम, और रात हो चुकी है सब जगह अंदर। कुछ है भी नहीं सर यहाँ पर, तो पानी वगैरह भी नहीं है, कुछ पी ले, कुछ खा ले। बाकी अंदर तो बुरी हालत है ही गाइस, जब से बैठे हैं तब से बुरी हालत है। कैसा लग रहा है आपको भाई? मेरे को लग रहा है आखिरी आदमी हो दुनिया का,
गाइस ये तो आखिरी आदमी बन चुके हैं, मैं दूसरा आदमी हूँ, ठीक है। हेलो भाई, आपको मिल गया, अच्छा लगा भाई। थैंक यू ठीक है। और हम चलते हैं फिर ऊपर, खाना वगैरह खा लेते हैं, रात हो गई ज़्यादा, अंदर तो बहुत बुरी हालत है। ऊपर वाली सीट हमारी, नीचे हम बैठे हैं, बाकी ऊपर चल के खाना वगैरह खा लेते हैं। ट्रेन भी खुल चुकी है, खुल गई गाइस ट्रेन। अब जाते हैं हम ऊपर, खाना वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। गाइस खाना खा लेते हैं, मम्मी ने दिया था राजमा और पनीर की सब्जी, इसमें पनीर की भुजिया है। अभी तो चावल और पनीर सब्जी खा लेते हैं, सॉरी पनीर और राजमा की सब्जी, बाकी सुबह खाएंगे रोटी और वो पनीर की भुजिया। कैसा आजा भाई, खत्म कर दूंगा। कैसा लग रहा है? थैंक यू मम्मी, धन्यवाद खाना देने के लिए आपको। ठीक है गाइस, खाना खा लेते हैं, फिर खाना खा के सोना ही है, फिर सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट। गाइस बिहार में एंट्री मार चुके हैं हम। हम पहुंच चुके हैं सिवान, और पहुंचते मेरे साथ कांड हो गया है। अभी दिखाता हूं आपको मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत बुरी हालत हुई हमारे ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भीड़, ना कुछ खा पाए ना कुछ पी पाए, आराम भी नहीं कर पाए, पानी तक नहीं मिला हमें। मैं आपको दिखाता हूं मेरे साथ क्या हुआ है। देखो गाइस मेरे साथ क्या हुआ है ट्रेन में, चप्पल चोरी हो गई मेरी। अच्छा हुआ जूता पहन के नहीं आया था, इसी ट्रेन में हुई हमारे पाली वाली ट्रेन में। मेरा चप्पल चोर पता नहीं कौन था, सारे जूते पहन लेता हूँ। फिर चलते हैं राहुल भाई के पास, वेट कर रहे हैं हमारा। चप्पल तो चोरी होगी बट जूते ले, अच्छा हुआ जूते लेकर आया था मैं, जूते पहन लिए और इसी ट्रेन में मेरी चप्पल चोरी हुई है। खतरनाक ट्रेन है, बहुत ज़्यादा चप्पल बच गई भाई, इनकी चप्पल बच गई गाइस, इनकी कैसी बच गई पता नहीं, मेरी चप्पल चोरी हो गई। रात को सोया था, सुबह देखा था चप्पल गायब, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब चलते हैं गाइस बाहर की साइड चलते हैं और राहुल भाई के पास फिर मिलते हैं, वहीं दिखाएंगे आपको उनका घर वगैरह सब चीज़। पहले तो वो वॉशरूम देखते हैं यार, वॉशरूम आ रहा है बहुत तेज है ना, सबसे पहले वही नीड है भाई, हल्का होगा आते पहले गाइस। निखिल तू आया नहीं मेरे को पिक करने, बोर्ड लेके तू खड़ा नहीं हुआ, मैं तेरा वेट कर रहा था। बोलो दोबारा बोलो, गद्दारी कर दे है निखिल, सुन रहा है तू? गाइस हम हसनपुरा पहुंच चुके हैं, राहुल भाई ने बोला था हसनपुरा आने के लिए, और यहाँ से राहुल भाई आ रहे हैं हमें पिक करके फिर लेके जाएंगे। और दिखाता हूँ आपको हसनपुरा का, ये देखिए ये अपना हसनपुरा। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। राहुल भाई को कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि हसनपुरा में वेट करो, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। अगर आ रहे हैं राहुल भाई, फिर चलते हैं राहुल भाई के घर पे। ये दिखाता हूँ आपको राहुल भाई का घर और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ वहाँ पर पहुँच के। गाइस बन चुका है मीठा पान हमारा। गाइस ये हैं संतोष भाई, ये भी आए राहुल भाई के फंक्शन में, क्या हाल है? और राहुल भाई गए गाड़ी पार करने के लिए, सही खातिरदारी कर रहे हैं, देखिए इनको। इतनी खातिरदारी मत करो भाई, खाओ आप भी खाओ, क्या कहते हैं इसको। गाइस यही है राहुल भाई का घर और ये फंक्शन की तैयारी हो रही है, आधे ज़्यादा काम हो गया है। ये अपना म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम लग चुका है और ये रहा पूरा राहुल भाई का घर। ये व्यू पूरे राहुल भाई का घर का देखो, आपको दिखाई दिया सारी वीडियो में मैंने पूरा घर। और अब चलते हैं, अब नहा धो लेते हैं, जब से आए तब से आराम नहीं किया है, नहाए धोए भी नहीं है, भूख भी लगी है, जब से आए तब से गाना बज रहा भी है, गाना बज ही रहा होगा, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे। तो मिलते हैं अब गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक कर देना वीडियो को। और गाइस मुझे ज़रूर बताना किस किस की जर्नी ऐसी गई है जैसे मेरी की, मैं भी तो देखूँ मेरी जैसी किस्मत किस किस बंदे की है। ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।